हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो विद नेहा। सो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेकअप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो आपके फेस के पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, डलनेस, रेडनेस, किसी भी तरह के आपके चेहरे के काले दाग धब्बे हैं उनको पूरी तरीके से हाइड करके आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और फ्लॉलेस बनाता है। अगर आप इस स्टेप को नहीं करते हैं, अगर आप इस स्टेप को भूल जाते हैं, तो आपके जो पिगमेंटेशन है, झाइयां हैं, आंखों के नीचे जो काले घेरे हैं या फिर आपके चेहरे के जो डलनेस है, वो आपके फाउंडेशन और कंसीलर को थोड़े टाइम बाद काला कर देती है और आपका मेकअप बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं लगता है, आपका पूरा फेस काला दिखने लगता है। तो आप अच्छे दिखने के बजाय गंदे दिखने लगते हो। तो आज मैं आप लोगों से वही स्टेप बताने वाली हूँ, अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हो तो आपका मेकअप पूरी तरीके से फ्लॉलेस होगा और आपके चेहरे के जो भी मार्क्स हैं, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, ये सारे पूरी तरीके से हाइड हो जाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो स्टेप क्या है। तो मैं यहाँ पे बात करी हूँ कलर करेक्टर की, कलर करेक्टर हमें कैसे यूज करना चाहिए और यदि आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो आप कलर करेक्टर की जगह क्या क्या यूज कर सकते हो, मैं आपको ये सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमें अपनी स्किन, मेकअप करने से पहले अपने स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना चाहिए। तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो ये कि आप अपने फेस को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करें, जिससे कि मेकअप की वजह से आपके स्किन को कोई भी हार्म ना पहुंचे। यहाँ पे मैं जॉय स्किन फ्रूट का मॉइस्चराइजर यूज करी हूँ। आप अपना कोई भी पसंदीदा मॉइस्चराइजर यूज करके अपने फेस को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज कर लें। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है मेकअप प्राइमर। तो मैं यहाँ पे यूज करी हूँ ब्लू हेवन का जेल मेकअप प्राइमर। अगर आपके पास मेकअप प्राइमर नहीं है तो आप यहाँ पे एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं, वो भी एज अ प्राइमर बहुत अच्छे से वर्क करता है। मेकअप प्राइमर लगाना बहुत जरूरी होता है, इससे हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं वो लॉक हो जाते हैं और हमारा मेकअप प्रोडक्ट हमारी स्किन में नहीं जा पाता, हमारी स्किन को हार्म नहीं पहुंचा पाता है। तो इसे 5 मिनट तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे और आफ्टर 5 मिनट हमें यहाँ पे कंसीलर और फाउंडेशन नहीं लगाना है, हमें यहाँ पे यूज़ करना है कलर करेक्टर। तो मैं यहाँ पे कलर करेक्टर की जगह यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज लिपस्टिक, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एज अ कलर करेक्टर बहुत अच्छे से वर्क करता है, आपके पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को हाइड कर देता है। कलर करेक्टर हमारे स्किन के डिसकलरेशन को न्यूट्रलाइज करके हमारे फाउंडेशन या फिर कंसीलर को एक इवन बेस दे देता है, जिससे हमारा मेकअप फ्लॉलेस होता है, हमारे पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल ये पूरी तरीके से हाइड हो जाते हैं। कलर करेक्टर यूज़ करने से हमें और भी फायदे होते हैं। अगर आपने कलर करेक्टर लगा के अपनी स्किन को एक इवन बेस दे दिया है तो ऐसे में आपको फाउंडेशन और कंसीलर बहुत ही कम मात्रा में लगाना पड़ता है, आपको बहुत हैवी फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने अपने कलर करेक्टर को अपने फिंगर टिप्स की ही हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ अपना कंसीलर। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। आप देख सकते हैं बहुत ही कम अमाउंट में अपने अंडर आइज एरिया पे लगा रही हूँ और अपने माउथ एरिया के पास, क्योंकि हमने अपने कलर करेक्टर की हेल्प से अपने पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल को काफ़ी हद तक हाइड कर लिया है। इसके बाद साथ ही मैं फाउंडेशन भी लगा ले रही हूँ अपने फेस पे और इसे मैं ब्लेंड करूँगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर की से। तो यहाँ पे मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में सोक करके रखा हुआ था, भिगो के रखा हुआ था, इससे हमारा जो फाउंडेशन होता है वो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है और जो एक्सेस फाउंडेशन होता है वो हमारे ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाता है। सो फाउंडेशन जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं तो उसे पानी में सोक करके ही आप उसे यूज़ करें। ऐसा करने से आपका मेकअप भी फ्लॉलेस होता है और ज़्यादा प्रोडक्ट भी आपके फेस पे नहीं होते, जिसकी वजह से आपका फाउंडेशन या फिर आपका कंसीलर केकी होने से बच जाता है। इसके बाद हम तुरंत ही अपने फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करेंगे लूज पाउडर की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे अपने लूज पाउडर की हेल्प से अपने कंसीलर और फाउंडेशन को सेट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा डार्क सर्कल काफ़ी हद तक हाइड हो गया है। तो आपको कितना भी ज़्यादा पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल हो, कोई भी दाग धब्बे हो आपके चेहरे पे, अगर आप कलर करेक्टर यूज़ करके अपना मेकअप करते हो तो आपके वो दाग धब्बे पूरी तरीके से हाइड हो जाते हैं और आपका मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और चाहे कितनी देर तक आप अपने मेकअप को रखें वो बिल्कुल भी ग्रे नहीं होगा। और इसके बाद मैं अपने सेटिंग स्प्रे से अपने पूरे मेकअप को सेट कर ले रही हूँ। इसके बाद आप अपना आगे का मेकअप कर सकते हैं। बेसिकली मुझे यही बताना था कि कलर करेक्टर हमें कैसे यूज़ करना चाहिए और कलर करेक्टर यूज़ करके आप किस तरीके से अपने पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को हाइड कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर सुझाव हो तो प्लीज़ आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।